तो सबसे पहले समझिए कि हमारा काम क्या है। बेसिकली एक बिल्डर है, बिल्डर फ्लैट बनाता है और बेचता है। बेचने से पहले वो कस्टमर से बुकिंग लेता है। बुकिंग के लिए वो एमआरपी का, पूरी कंपनी की फ्लैट के प्राइस का वो 10% लेता है। उसको 4 फ्लोर तक ही बुकिंग करने की एबिलिटी दी गई है, मतलब कि अथॉरिटी है। 4 से ऊपर के फ्लोर, 5 से ऊपर, सॉरी 5 से ऊपर नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो कि बुकिंग के समय पैसा थोड़ा कम लेके आते हैं, तो बिल्डर जो है बोलता है कि आपको 20 महीने का डिफरेंस, ये है आपकी क्रेडिट लिमिट है, 20 महीने के अंदर आप जो है अपना बुकिंग अमाउंट पूरा कर दीजिए। लेकिन कुछ कस्टमर हैं जो कि 4, 5, 10 महीने लेट हो जाते हैं, तो ऐसे कस्टमर के लिए वो कहता है कि आपको जो है 17% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ईयरली। तो बस वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि वो बंदा पैसा देने आया है तो कितना रुपये उसको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। समझ गए? तो ठीक है। अब सबसे पहले तो कंडीशन मैच करते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला एड। अब इस पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो तो कंडीशन एंड कैलकुलेशन दोनों को अलग कर दीजिए, ठीक है सर? तो हमने कंडीशन लगा एंड कि फ्लोर जो हमारा है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5, पहली ठीक चीज। है। दूसरी, हमने बोला जो बुकिंग अमाउंट है मतलब वो, ये जो एमआरपी है, एमआरपी का इसका 10%। 10% इज ग्रेटर देन बुकिंग अमाउंट। दूसरा कंडीशन समझ में आ गया? ग्रेटर देन ग्रेटर देन बुकिंग बुकिंग अमाउंट, अमाउंट, हाँ, मतलब मतलब कि जो एमआरपी का मुझे 10% जो होगा वो बड़ा बुकिंग अमाउंट से से बड़ा बड़ा होगा। बड़ा होगा, मतलब कि कुछ कम दिया तो भी ना बड़ा होगा। अब यहाँ पर कितना कम दिया कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस कुछ कम दिया है, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, राइट? ठीक है। अब बारी आती है कि डिफरेंस। तो डिफरेंस को आप यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है डेटेड इफ, इसको भी लगा सकते हैं। एग्जैक्ट मंथ दिखाएगा आपको, ये स्टार्ट डेट है हमारा डेट, और यहाँ पे हमने लगा दिया टुडे। टुडे ठीक मतलब है। सिस्टम डेट, आज आज। और यहाँ पे एम कर दिया तो क्या निकाल के देगा? मंथ निकाल के देगा। और डी और डी करूंगा तो डे करूंगा तो देगा। देगा जी। ठीक और है। यहाँ पे माइनस हमने 20 दिया, और इसको अभी एक कैलकुलेशन है तो ब्रैकेट में रखना थोड़ा सा बनता है, ताकि समझ में आए आपको कि ए जो है ग्रेट, नहीं -20 नहीं, ए ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस करने की जरूरत नहीं है सर, ग्रेटर देन 20 होना। ग्रेटर तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते, तो रिजल्ट क्या आया? ट्रू आया। तो कंडीशन देख ली, कंडीशन क्या है कि ए फ्लोर जो है 5 से नीचे आना पांच से चाहिए, कम होना चाहिए। बुकिंग अमाउंट का 10%, सॉरी एमआरपी का 10% बुकिंग अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, और डेटेड इफ का रिजल्ट 20 से बड़ा होना चाहिए। डेटेड ईयर का रिजल्ट 20 महीने से बड़ा होना चाहिए। 20 महीने से बड़ा होना ठीक चाहिए, समझ गए? ऐसा होगा तो ठीक कैलकुलेशन आएगा। तो कैलकुलेशन में क्या चाहिए? 3 चीजें, पहले चाहिए पी, रेट और टाइम। ठीक तो है। प्रिंसिपल जो है वो सिंपल सा, हम क्या करेंगे, बुकिंग अमाउंट का 10% माइनस, सॉरी एमआरपी का 10% माइनस बुकिंग माइनस बुकिंग। आ गया। ये हमारे क्या निकल गया? प्रिंसिपल निकल गया ना सर, ठीक है। प्रिंसिपल निकल गया। उसके बाद आता है रेट, तो रेट के लिए भी मैं यहाँ पे 17% डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ, मंथली आ गया। अब तीसरा चाहिए टाइम, तो टाइम के लिए हमारा क्या है, डेट ए डिफ का फॉर्मूला, डेट इज डेट डी आई एफ। इसमें हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा टुडे और कॉमा मंथ, और इसमें -20 करेंगे क्योंकि 20 मेरे तो एग्जेप्ट में है ना सर। ठीक है। 20 तक तो कोई इशू नहीं था। हाँ। ये हो गया। अब एंटर प्रेस कीजिए, 17,000 हुआ सर। तो ये क्या किया, इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने निकाला अपना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकाला कि वो पहले
एमआरपी का 10% निकाला, उसमें से बुकिंग अमाउंट को माइनस कर दिया, मतलब 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख 1 लाख बचा। फिर 17% ईयरली रेट है, इसमें 12 से बना दिए हम कर दिया, हमारा हो गया ईयरली का 0.1 समथिंग आएगा। उसके बाद यहाँ पे डेटेड इफ ने क्या किया, दोनों डेट के बीच का डिफरेंस मंथ में निकाल दिया और जितना महीना निकला उसमें से 20 को आपने माइनस कर दिया। और सिंपल सा है ना आपका मैथमेटिक्स है इसका, सिंपल इंटरेस्ट का कि पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये हो गया आपका पी मल्टीपी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, समझ गए? ठीक है, इंटरप्रेस किए। अब बात है ये ए जो है कैलकुलेशन कब चलेगा, जब ए ट्रू होगा तब हम यहाँ पे हमने इफ का लगाया कि अगर ए ट्रू है तो ए चले अदरवाइज जीरो, समझे? अब इसको कंबाइन करने तो आता ही आपको मर्जिंग का, एक चीज तो आपने यहाँ पे बढ़िया सीख ली है कि मर्जिंग बेनिफिट होता है ना इससे बहुत, क्या सर? हाँ अब सर एक बार रुको, एक बार मेरे को बताने दो कैसे होगा, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा, एक सेकंड मैं बताता हूँ मर्जिंग वाला क्या चक्कर है। कॉपी ठीक पेस्ट है, हो क्या करना है बस। हाँ तो इसको उठाया मैंने, ठीक है, और देखो इसका डेटा कहाँ पे मर्ज करूंगा? सुनिए, ये मेरा फॉर्म, मेरा इफ का फॉर्मूला है, दो से कनेक्टेड है, E2 से कनेक्टेड है जी, और F2 और से। एफ टू से तो डन। सिंपल सी बात है, E2 का फॉर्मूला लेके E2 पे पेस्ट कर देंगे, F2 का फॉर्मूला लेके F2 पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। फॉर्मूला लेके, अच्छा E2 का फॉर्मूला उठा के E2 पे पेस्ट कर दो, ओनली बस कॉपी और पेस्ट। बस और क्या करना, ठीक ठीक है, तो है। E2 उठाया, कॉपी किया और F2 के ऊपर जाके पेस्ट कर दिया, मतलब कैसे? कॉपी E2 के किया, ऊपर, ठीक है, E2 के ऊपर डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, पेस्ट कर हाँ ठीक है, दिया, डन डन डन, बस एंटर बस, और मारा, F2 की जगह, F2 पे गया, F2 की F2 जगह का F2। फॉर्मूला इक्वल मत कॉपी कीजिएगा, कॉपी किया, इस पे समझा, गया और F2 मैंने पे पेस्ट, F2 पे। सिंपल समझे ठीक है, विदाउट इसमें सर। अभी तक तो नहीं है, बाकी मैं करूंगा तो पता चलेगा। अब जो है दोनों को कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जब आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो आप पहले अपना क्या कर लीजिए, कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर लीजिए अपना कंडीशन एंड देन कर लीजिए कैलकुलेट अपना रिजल्ट और फिर दोनों को मर्ज कर दीजिए। और अगर मैं 4 महीने 4 वीक वाला कंडीशन नहीं देना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए तो एंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, फिर दो कंडीशन है ना आपके पास, बुकिंग वाला और डेट वाला, अच्छा हाँ ठीक है, फिर ठीक है, भी 2 है, ठीक है, हाँ समझे? ठीक है, डन। तो देखिए फॉर्मूला लगाने का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाते पहले तो मैं यही सोचते अलग अलग करके मर्ज कर देता हूँ। अच्छा इसमें हमने और बताया था, एंड बताया था आपको, मैं एक्स और नहीं बताया ना, नहीं, एक एक्स और फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर्मूले पे ऊपर वापस आते हैं। एक फॉर्मूला होता है एक्स और का। अब एक्स और फॉर्मूला क्या करता है जान लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे दो सिटी है, मेरे पास नेम आ गया और दो सिटी है, मुझे दिल्ली और एक पुणे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं पूजा जो है दिल्ली या पुणे में से किसी एक को चूज करेगा, मतलब आपका ट्रांसफर है तो आप दोनों जगह तो वर्क नहीं कर सकते ना, नहीं, एक जगह ही करेंगे। तो अगर आपने दिल्ली में ट्रांसफर, वाई किया तो ठीक है, पुणे में वाई किया तो गड़बड़ है, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो एक्स हाँ और कोई फॉर्मूला एक। यही यही चीज करता है कि ट्रू ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, ट्रू ट्रू इक्वल टू ट्रू, नहीं ट्रू फॉल्स फॉल्स, इक्वल टू फॉल्स, ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स, दो ट्रू इक्वल टू फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स ट्रू, वन फॉल्स वन ट्रू
फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, कुल मिला के सिमिलर, अगर दोनों दोनों सिमिलर होगा तो सिमिलर होगा फॉल्स तो हो फॉल्स जाएगा, होगा। दोनों अलग अलग होगा तो फिर ट्रू हो जाएगा। मतलब कि दो चॉइसेस है आपको, उसमें से एक ही को चूज करना है। आप दोनों चूज नहीं करते, दोनों नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो स्टेटस में यहाँ पे ओके पेंडिंग एक्स और फॉर्मूला ट्रू फॉल्स दिखा देता है। अब इसका यूज हम लोग डेटा वैलिडेशन में करते थे एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। डेटा ठीक है। वैलिडेशन में हम लोग करते हैं। अब बोलेंगे कि डेटा वैलिडेशन में क्या करते हैं, वही वो क्या कहते हैं, रेड पीला जो कर देते हैं, नहीं वही ना, डुप्लीकेट लगाना, ये सब चीजें। नहीं डेटा वैलिडेशन मतलब हुआ कि मैं जो चाहूँ वही एंट्री हो, समझे। ठीक कस्टम फॉर्मूला, और यहाँ पे मैंने डाल दिया इक्वल एक्स और, ठीक है ना। एक्स वाले मैंने बोला कि बी टू इक्वल टू वाई, वाई कॉमा हमने बोला सी टू सी टू सी टू इक्वल टू वाई, ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पे टू को, इसमें बी को करना है फ्रीज। बी को क्या करना है, फ्रीज फ्रिज करना कर है, देना है, और सी को भी फ्रीज करना है। हाँ, क्योंकि बी और बी सी और को सी को फ्रिज कर फ्रीज देना करना है। है। हाँ, टू को नहीं करना है, नीचे ड्रैग करना है, तो टू थ्री फोर होना चाहिए। और यहाँ पे हमने सेव किया, ठीक, बी बी ही रहेगा, बस अपना ये अपना नीचे का रो जो है वो चेंज होता ठीक रहेगा। है। एक्स और क्यों नहीं ले रहा है, एक्स और लास्ट में लास्ट में ब्रैकेट बंद ब्रैकेट नहीं, बंद इसकी नहीं, वजह से हो इसी सकता है। लास्ट ब्रैकेट नहीं बंद है, बंद है तो। नहीं, अच्छा बंद था। अच्छा, इसमें इक्वल नहीं डाला है, ओ इसलिए बंद हाँ ठीक है। है। हो गया। अब इसको कॉपी किया, पूरे एरिया पे गए, और एडिट में पेस्ट स्पेशल होता है। पेस्ट स्पेशल में आपको डेटा वैलिडेशन ओनली दिखेगा। अब इसमें क्या हुआ कि मैं अब दोनों पे वाई लिखूंगा, तो यार यहाँ गड़बड़ दिखा दिया ना, इनवैलिड इनपुट दिखा गया ना सर। ऐसा क्यों किया इनवैलिड, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजेक्शन नहीं डाला हुआ है वैलिडेशन के अंदर में। यहाँ अगर मैं रिजेक्ट इनपुट करके सेव कर देता हूँ, फिर कॉपी करके पूरे एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे डालता हूँ वैलिडेशन ओनली। डेटा वैलिडेशन। अब मैं जैसे यहाँ पे वाई डालूंगा, समझे। अच्छा ये आया ही नहीं, ये देर वाज ए आया प्रॉब्लम, अपने आप से आ प्रॉब्लम लेना। कि इनपुट एक सेल में इनपुट ले लेगा। जैसे मान लीजिए ठीक मैंने है, यहाँ पे पर पुणे में इनपुट ले लिया, ले लिया। जैसे मैं ले लिया लिया यहाँ पे इनपुट करूंगा, नहीं लेगा, एरर से हो जाएगा। तो जैसे कि आपको वो दो सेल में से किसी एक सेल में इनपुट लेना है। जैसे मान लीजिए सैलरी है, एडवांस है, फिर ये है एडवांस है, और लोन है। तो अगर किसी ने लोन अप्लाई किया है तो उसको एडवांस नहीं देना, किसी ने एडवांस ले लिया है उसको लोन नहीं देना। तो ठीक है। आप लगा दो, अगर उसने एडवांस में एंट्री कर रखा है तो लोन में एंट्री नहीं होगा, हाँ अगर लोन में एंट्री कर रखा है तो एडवांस में एंट्री नहीं होगा। नहीं होगा, सही है। तो फॉर्मूला इस तरह से भी काम किया जा सकता है, जहां हमने डेटा वैलिडेशन में इसका इस्तेमाल किया। एक्स और ठीक फॉर्मूला है। आ गया। इसमें हाँ क्या है कि फिर जब इन फॉर्मूला इंसर्ट में जाओगे ना, तो इसमें और भी इफ इलॉजिकल में आपको दिखेगा बिट बाइट, तो दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुझे लगता है कि तो सही ये है। आपने आपने इन आपने सेल पे तो सेल पे लगा तो लगा दिया, दिया, बट डी बट डी वाले को वाले हमने को भी हमने ट्रैक भी नहीं ट्रैक किया, नहीं इसलिए किया, उसकी इसलिए वैल्यू उसकी शो नहीं हो वैल्यू। पा रही है। हाँ, वो तो हमने, वो तो फॉर्मूला लगाए थे ना, तो वैलिडेशन लगाया ना इसमें से। एग्जैक्टली, यहाँ पे यहाँ हमारा पे हमारा फॉर्मूला है, वहां फॉर्मूला पे है हमने वैलिडेशन वैलिडेशन। लगाया है। हाँ, तो वैलिडेशन का मतलब हुआ कि वो स्टॉप कर दिया, वो आपको वर्क नहीं करने देगा। फॉर्मूला का मतलब हुआ कि हाँ कैलकुलेट करके दे दिया, अब आपकी मर्जी, आपको हाँ जो करना कर लीजिए। करो या करो मत या मत करो। करो। जैसे आप किसी से डेटा एंट्री ले करवा रहे हैं,
तो आपको ठीक पता है है। कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ और आपका अमाउंट में टैक्स नहीं होना चाहिए, अमाउंट डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे हम लोग डेटा वैल्यूएशन लगा देते हैं ताकि वो टाइप ही नहीं कर पाए। मतलब गलती टाइप करने के बाद सही करने के बजाय मैं उससे गलती टाइप करवाऊंगा ही नहीं, हाँ समझ गए। इस केस में हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन। अगर 10 डिजिट है तो फिर वहां पे क्या डिजिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या किन फिर। का फॉर्मूला लगेगा मैं बताऊंगा, अभी मैं आगे बस ये हाँ डेटा वैलिडेशन इंट्रोड्यूस किया हूँ, अभी बताया नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, इफ ठीक एरर है। फॉर्मूला पता ही आपको, बताया था कौन सा। इफ एरर। हाँ इफ एरर नहीं आपने कराया तो नहीं है वैसे, बट मेरे को थोड़ा। देखिए इफ एरर के यूज ज्यादा लुकअप में हम बताते हैं, जैसे आप कुछ लगाते हो और एरर आए, चाहते हैं कि एरर के जगह पे कुछ और आए, हाँ जीरो आ जाए। यहाँ पे हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जीरो आ गया, मतलब अगर फॉर्मूला जीरो रिजल्ट दिया तो फॉर्मूला आए, अदरवाइज जीरो आए, या वी एरर। लुकअप में जाता करते हैं। हाँ या फिर वी लुकअप भी लगाते हैं तो हम लोग इफ एरर शुरू में लगा देते हैं कि जहां ना आए वहां पे जीरो आ जाता है कि हमें काउंटिंग में इसलिए। इफ एरर की जगह जैसे इफ एन ए होता इफ एन है, इफ एन ए जो कि सिर्फ एन ए रिजल्ट को करता है। इफ एरर तो हर रिजल्ट को करता है ना, हर एरर को करता है, इफ एन ए हाँ सिर्फ एन ए वाले एरर को करता ठीक है। और इफ एरर में सबको करता है मतलब क्या, जैसे वैल्यू जो नहीं आता है वो सब क्या है। इफ एरर जो है जितने भी तरह के एरर है सबको रीड करके उसके जगह पे कुछ वैल्यू दे देता है। नहीं एरर मतलब किस टाइप, एक ना का ही तो है मान लो, अगर हम वी लुकअप लगाते हैं तो एक ना ही आ सकता है नहीं, बहुत सारे एरर या आते एक हैं। वैल्यू, एक वैल्यू नहीं आएगा, दो ही चीज तो होता है। देखिए देखिए, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है एरर टाइप, देखिए एरर टाइप, ठीक है। एरर टाइप पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो रेफरेंस यहाँ पे A3 ये वाला कैसे कैसे समझते हैं सर, एक बार मेरे को ही बता समझते देना ये। हैं। ये तरह के एरर होते हैं, नल अच्छा नल हो PID जाए, डिव हो जाए, वैल्यू वैल्यू हो जाए, रेफ टारगेट हो जाए, नेम नेम। नाम, समझे। ठीक गूगल का हेल्प है, समझा। जैसे मान लो कोई फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसका हेल्प है। हाँ जैसे मान लो कि तो आपको ये वी लुकअप क्या फॉर्मूला नहीं समझ ठीक है। में आ रहा हाँ है, अभी मैं एक बार कर दोगे तो पूरा आएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आता है इस पे, जो ए जो फॉर्मूला का आता है, ये तो आता ही, आपको देखा होगा आते हुए। हाँ ये तो हाँ आते रहते हैं। हाँ इसी में जो इस पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्मूले के बारे में आपको छोटा नोट्स मिल जाएगा। अब इतना से काम नहीं चलता है तो लर्न मोर हाँ करोगे तो पूरा इसका आर्टिकल आ जाएगा, हाँ समझे। ये वाला चीज। पूरा आर्टिकल, ठीक है। तो सर इसकी प्रैक्टिस ठीक कीजिए, कल हम टेक्स्ट हाँ फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को अभी करना है एक सॉर्ट, और एक आपने जो बताया है वो, और एक ये इस पे करना था, ये जो हमने पेंडिंग वाला जो था 11 नंबर क्वेश्चन उस पे कर लीजिए, XOR और 11 वैलिडेशन नंबर और एक वाला सौ के। हाँ वैलिडेशन वाला। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है।